नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि चपटे और आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे विराम चिन्ह। सबसे पहले देखेंगे विराम किसे कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। हम जब बात करते हैं तब बीच बीच में थोड़ी देर रुकते हैं, उस रुकने को या ठहराव को विराम कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्यों को लिखते समय अलग अलग भाव को प्रकट करने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उतार चढ़ाव और ठहराव दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हम आपस में बात करते समय अलग अलग भाव को व्यक्त करने के लिए कहीं कम तो कहीं ज्यादा समय रुकते हैं। हमारे आवाज के उतार चढ़ाव के माध्यम से सुनने वाले को वाक्य का सही अर्थ समझ में आता है। हमारा वाक्य कभी पूर्ण होता है तो कभी अपूर्ण होता है, तो कभी अपने मुख से आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द बाहर निकलते हैं, किंतु जब यही भाव अथवा विचार लिखकर बताते हैं तब वाक्य कहाँ समाप्त हुआ, वाक्य कहाँ शुरू हुआ, वाक्य का उच्चारण किस तरह करना है, यह समझने के लिए योग्य विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विराम चिन्हों की मदद से हमें उन पंक्तियों का आशय और अर्थ अधिक स्पष्ट होता है, इसलिए लिखते समय विराम चिन्हों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। इसलिए कौन कौन से विराम चिन्ह है, उनके चिन्ह कौन से है, उनका उपयोग कहाँ होता है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। विराम चिन्ह के भेद। विराम चिन्ह के दो भेद है, एक विराम बताने वाले। विराम बताने वाले कौन कौन से विराम चिन्ह है तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। विराम चिन्ह का दूसरा भेद है अर्थबोध करने वाली। अर्थबोध करने वाली कौन कौन सी विराम चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस वीडियो में हम कौन कौन से विराम चिन्ह देखने वाले हैं? तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इखरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लघु कोष्टक, दीर्घ कोष्टक, मंझला कोष्टक, विवरण चिन्ह, लोप चिन्ह, हंसपद, संक्षेप चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, संकेत चिन्ह, समाप्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, विकल्प चिन्ह, अनुस्वार, हल चिन्ह, नुक्ता, चंद्रबिंदु। मुझे लगता है कि इतने चिन्ह एक साथ किसी भी किताब में या कहीं भी दिए नहीं गए हैं। यह सभी विराम चिन्ह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह विराम चिन्ह हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसमें अनुक्रमांक, विराम चिन्ह, उस विराम चिन्ह का चिन्ह, उस विराम चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वह यहाँ पर दिया गया है, उस विराम चिन्ह का उपयोग और उसका उदाहरण दिया गया है। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। यह पूर्ण विराम का चिन्ह है और उसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। विधान पूर्ण हुआ है यह दिखाने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे सूरज सुबह उगता है। दूसरा उपयोग देखो, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य के अंत में
पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे शीतल लिख रही है और सानिका पढ़ रही है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। उसके बाद में विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संभावनार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे दिनेश पढ़ाई करो। यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। इन सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। दूसरा विराम चिन्ह है अल्पविराम। यह अल्पविराम का चिन्ह है और उसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहां पर अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आप घर जाइए, मैं बाद में आता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि एक ही जाति के अनेक शब्द एक साथ आने के बाद अल्पविराम चिन्ह दिया जाता है, जैसे सुरेश, गणेश, हेमंत, सोहिल यह मेरी कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में सुरेश, गणेश, हेमंत, सोहिल यह संज्ञाएं है और इनके बाद में अल्पविराम चिन्ह दिया गया है। अंकों को लिखते समय अल्पविराम चिन्ह दिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद अल्पविराम चिन्ह दिया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। किसी के नाम का संबोधन करने के बाद अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है, रमेश तुम कहाँ हो। यहाँ पर रमेश का संबोधन करने के बाद अल्पविराम चिन्ह दिया गया है। हाँ और नहीं के बाद अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हाँ मैं भी साथ चलूंगा। अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। यह अर्धविराम का चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं, जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता ऐसे दो उपवाक्यों को जोड़ते समय अर्धविराम चिन्ह दिया जाता है, जैसे जिसे देखो मुझे चाहता है, मुझे पाने के लिए व्याकुल रहता है। एक विचार पूर्ण हो पर वाक्य पूर्ण न हो तब अर्धविराम का चिन्ह दिया जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर पता थे पर समय मिला नहीं, और कहां अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जिस वाक्य में परस्पर संबंध न हो उस वाक्य में अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बरसात हुई पर सुरेश बाहर निकला नहीं। अब तक हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम यह तीन विराम चिन्ह देखे हैं। यही विराम चिन्ह हम अलग प्रकार से अब देखेंगे। पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो उस समय पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम। जिस स्थान पर पूर्ण विराम से कम समय तक रुका जाता हो उस जगह पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा चिन्ह है अर्धविराम। जिस स्थान पर पूर्ण विराम से कम परंतु अल्प विराम से ज्यादा समय तक रुका जाता हो उस जगह पर अर्धविराम का चिन्ह दिया जाता है। यह याद रखिए। चौथा विराम चिन्ह है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को ही उपविराम या विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। अपूर्ण विराम का इस तरह का चिन्ह है, उसे अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तब अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताना हो तब अपूर्ण विराम का चिन्ह दिया जाता है, जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। वाक्य के अंत में स्पष्टीकरण देते समय अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। विसर्ग चिन्ह लगाए हुए वर्ण का उच्चारण
ह की तरह होता है, जैसे प्रातःकाल, अंतःकरण। अगला विराम चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह को ही प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं और वह इस तरह का होता है। प्रश्न चिन्ह को अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। वाक्य में किसी प्रश्न पूछे जाने के भाव की अनुमति हो उस वाक्य में प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, जैसे तुम तो इस गांव के नहीं लगते। जहां स्थिति निश्चित न हो वहां पर प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, तुम शायद घर जा रहे हो। जहां व्यंग किया गया हो वहां पर प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, जहां घुसखोरी हो वहां ईमानदारी कैसे होगी। जिस वाक्य में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, किस लिए इन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा गया हो उस वाक्य में प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, किसी भी प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न चिन्ह यह वाक्य के अंत में दिया जाता है। छठवां विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। हर्ष, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य, घृणा आदि भाव का बोध कराने के लिए वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया जाता है, जैसे छी तुम कितने गंदे हो। विशेष भाव से किसी का संबोधन करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माँ तुम कितनी अच्छी हो। छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया जाता है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे। हमारे मन के तीव्र भाव जिस शब्द या वाक्य के माध्यम से व्यक्त हो उस शब्द या वाक्य के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया जाता है। अगला विराम चिन्ह है एकहरा अवतरण चिन्ह। यह एकहरा अवतरण चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में सिंगल कोटेशन मार्क कहते हैं। शीर्षक, पुस्तक, संस्था का नाम निर्देश करते समय एकहरा अवतरण चिन्ह दिया जाता है, जैसे प्रेमचंद का गोदान यह उपन्यास महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड बताते समय एकहरा अवतरण चिन्ह दिया जाता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने चले जाओ का आंदोलन किया। किसी व्यक्ति के विचार अप्रत्यक्ष रूप से लिखते समय एकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए ऐसा शिक्षक ने कहा था। अगला विराम चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। यह दोहरा अवतरण चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। एकहरा या दोहरा अवतरण चिन्ह को ही इन्वर्टेड कॉमा भी कहा जाता है। दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग देखिए, किसी के कहे या लिखे हुए शब्द को उसी तरह प्रकट करने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, जैसे शिक्षक ने कहा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। महत्वपूर्ण कथन कहावत को दर्शाने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे अंत भला तो सब भला। नौवा विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। यह योजक चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में हाइपन कहते हैं। दो शब्दों का युग्म शब्द बनाने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। रात दिन, सुख दुख, फल फूल, एक ही शब्द को दो या अधिक बार दोहराने पर योजक चिन्ह दिया जाता है। राम राम, धीरे धीरे, गली गली, दो विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो तब योजक चिन्ह दिया जाता है, जैसे अंधा बहरा, भूखा प्यासा। दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब योजक चिन्ह दिया जाता है, जैसे उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद
जब एक साथ आए हो तब योजक चिन्ह लगाया जाता है। दो दो एक दो नहला दहला। दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तब योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे पढ़ना लिखना, मारना पीटना, आना जाना। वाक्य के अंत में शब्द पूरा न लिखा जा सके तो योजक चिन्ह दिया जाता है, जैसे गांव में एक वाचनालय का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर वाचना यह ऊपर की पंक्ति में है और लय यह नीचे के पंक्ति में दिया गया है। वाचना इस शब्द के बाद में योजक चिन्ह दिया गया है, इसका अर्थ वाचनालय यह एक ही शब्द है ऐसा होता है। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को ही संयोजक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह इस तरह का होता है और इसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करने से पहले या बाद में निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। संवाद वार्तालाप में निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे आनंद कहाँ जा रहे हो, सुदेश पाठशाला जा रहा हो। किसी विशेष बात का स्पष्टीकरण देना हो तब निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे वह लड़का जो प्रथम आया है वह हमारे घर के पास रहता है। अगला विराम चिन्ह है लघु कोष्टक। लघु कोष्टक को ही छोटा कोष्टक कहते हैं। यह लघु कोष्टक है और अंग्रेजी में इसे राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने तथा अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए लघु कोष्टक का या छोटा कोष्टक का उपयोग किया जाता है, जैसे रामलाल कहाँ गए थे। यहाँ पर रामलाल क्रोध में है और क्रोध में है यह बताने के लिए लघु कोष्टक में क्रोध में लिखा गया है। लघु कोष्टक का दूसरा उपयोग है क्रम सूचक अक्षर और अंकों के लिए, जैसे कक्षा में दो प्रतिभावान विद्यार्थी है, एक अंकुश और दूसरा दीपाली। अगला विराम चिन्ह है दीर्घ कोष्टक। दीर्घ कोष्टक को ही बड़ा कोष्टक या वर्गाकार कोष्टक कहते हैं। यह दीर्घ कोष्टक है और इसे अंग्रेजी में स्क्वेयर ब्रैकेट्स कहते हैं। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए दीर्घ कोष्टक का उपयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारी अर्जी नमूना ड के अनुसार होनी चाहिए। अगला विराम चिन्ह है मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक को ही सर्पाकार कोष्टक कहते हैं। यह मंझला कोष्टक है और इसे अंग्रेजी में ब्रेसेस या कुरली ब्रैकेट्स कहते हैं। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए मंझला कोष्टक का उपयोग किया जाता है, जैसे तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को ही आदेश चिन्ह कहते हैं। यह विवरण चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में साइन ऑफ फॉलोइंग कहते हैं। वाक्यांश में जानकारी सूचना या निर्देश दर्शाने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। अगला विराम चिन्ह है लोप चिन्ह। यह लोप चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ ऑमिशन कहते हैं। वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा, यही सही समय है, हम करेंगे या मरेंगे। अगला विराम चिन्ह है हंस पद। हंस पद को विस्मरण चिन्ह
या त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। यह हंस पद का चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ इलिप्सिस कहते हैं। लेखन में कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर हंस पद का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, यहाँ पर मुंबई यह शब्द छूट गया है और इसीलिए हंस पद का चिन्ह देकर मुंबई यह शब्द ऊपर लिखा गया है। अगला विराम चिन्ह है संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह को ही लाघव चिन्ह कहते हैं। यह दोनों संक्षेप चिन्ह है। दोनों में से कोई भी संक्षेप चिन्ह दिया तो भी चलेगा। संक्षेप चिन्ह को अंग्रेजी में साइन ऑफ एब्रेविएशन कहते हैं। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर पंडित उत्तर प्रदेश। डॉक्टर यह शब्द लिखने के लिए डॉ लिखकर संक्षेप चिन्ह दिया गया है। पंडित यह शब्द लिखने के लिए प लिखकर संक्षेप चिन्ह दिया गया है। उत्तर प्रदेश लिखने के लिए उ संक्षेप चिन्ह प्र संक्षेप चिन्ह दिया गया है। अगला विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह को ही समानता सूचक चिन्ह कहते हैं और यह तुल्यता सूचक चिन्ह है। तुल्यता सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में इक्वलेंस साइन या इक्वल कहते हैं। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित, अशिक्षित मतलब अनपढ़। 2 + 2 = 4। अगला विराम चिन्ह है संकेत चिन्ह। यह संकेत चिन्ह है और संकेत चिन्ह को अंग्रेजी में साइन सिंबल, एस्टरक्स या रेफरेंस मार्क कहते हैं। महत्वपूर्ण वाक्य या संकेत दर्शाने के लिए संकेत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर करते समय यहाँ पर 3 नियम दिए गए हैं और यह 3 महत्वपूर्ण वाक्य दर्शाने के लिए संकेत चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है समाप्ति चिन्ह। यह समाप्ति चिन्ह है या ऐसे भी आप समाप्ति चिन्ह लिख सकते हैं। समाप्ति चिन्ह को अंग्रेजी में एंड साइन कहते हैं। लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इतिश्री प्रथमोध्याय समाप्त। अगला विराम चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है और इसे अंग्रेजी में रिपीटेटिव इंडिकेटर साइन कहते हैं। ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, चावल 10 किलो। चावल के बाद में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब जो ऊपर संख्या दी गई है वही नीचे आएंगी। अगला विराम चिन्ह है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। यह दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह वाले शब्दों को वाक्य में किसी शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे माँ तुम कहाँ हो। रेखांकन चिन्ह। यह रेखांकन चिन्ह है। रेखांकन चिन्ह को अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे भाई रुपए लाया। इस वाक्य में भाई शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है और प्रश्न दिया गया है रेखांकित शब्द का लिंग बदलिए। अगला विराम चिन्ह है विकल्प चिन्ह। यह विकल्प चिन्ह है और अंग्रेजी में इसे स्लैश कहते हैं। किसी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द लिखते समय विकल्प चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं आम या अनार खाऊंगा।
अगला विराम चिन्ह है अनुस्वार, यह अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार एक उच्चारण मात्रा है, इसकी ध्वनि अक्सर नाक से निकलती है, जैसे संत, पंगत, संदेश। अगला विराम चिन्ह है हल चिन्ह, यह हल चिन्ह है। संयुक्ताक्षर बनाने के लिए हल चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे उद्गार। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर रहित किया जाता है तब उसके बीच में एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जैसे जगत। अगला चिन्ह है नुक्ता, यह नुक्ता चिन्ह है। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए वर्ण को अलग से बताने के लिए नुक्ता चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे जरा, खुदा, फरियाद। व्यंजन को अपने मूल रूप में लिखने के लिए नुक्ता चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। यह वर्ण अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। हिंदी में केवल ड और ढ अक्षर नुक्ता लगाकर बनाए गए हैं। अगला चिन्ह है चंद्रबिंदु, यह चंद्रबिंदु है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है, इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, जैसे आख, मां, गाव। ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह लगाया जाता है। धन्यवाद।